عشنا بنودعك بدموع العين. All of you, welcome back once again. आप देख रहे हैं रमजान मेहरबान और मैं हूँ आपकी मेजबान आपकी होस्ट फातिमा शेख आपके साथ. ब्रेक पर जाने से पहले मैं बातें कर रही थी, ऑफ में भी बहुत सी बातें चल रही हैं. खाबर रियाज मेरे गेस्ट हैं और नूरे भट्टी. नूरे आपसे मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या हुआ, आप कुछ कह रही थी खाबर को. मैं ये पूछ रही थी लेकिन मुझे लगता है आप कुछ कह रही थी. अच्छा खैर ये बताइए कि आप अदर देन योर सेल्फ, आई नो यू लाइक योर सेल्फ एंड यू शुड, कोई और मॉडल आपको पसंद हो इस इंडस्ट्री? नहीं मैं जैसे पहले कह रही थी आप एडमायर कर सकते हो बहुत सारे लोगों को. मुझे वनीजा पसंद है क्योंकि उनमें एक ग्रेस है. मुझे आमना हक पसंद है क्योंकि उनकी शक्ल वैसी है अगर आप लोकल्स में देखो. और मुझे इरेजिस्टी पसंद है क्योंकि शी इज़ एक्चुअली अ ट्रू मॉडल. मतलब अपने बड़ों आप अपने सीनियर्स में देख के आप एडमायर करते हो कुछ चीज़ें, बट नॉट एक्चुअली समथिंग दैट इंस्पायर्स यू बिकॉज एवरीबडी इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल. और मॉडलिंग में यही बहुत ज़रूरी है कि आप एक पर्सनैलिटी हो और आपका एक अपना हो. अगर आप किसी और को ज्यादा इंस्पिरेशन लोगे या कुछ करोगे तो वो आप ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते. आपको खुद कुछ होना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी समथिंग. अच्छा ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया था पहले कि आप शादी भी करने की प्लान कर रही हैं, शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू करोगे आप? व्हाई नॉट, इट्स समथिंग व्हिच काम है. फॉर इंस्टेंस इफ योर हस्बैंड से नो देन व्हाट? फिर ये मनाने के लिए आएंगे ना? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा कि कोई नो कहेगा. उफ, अच्छा आप इसका मतलब है जो हैं मिस्टर एक्स वाई जेड वो एक्स आई मीन वो क्या कहते हैं डिसाइडेड हैं और आपको पता है? नहीं, 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 अभी तो ये कह रही कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि जो मेरी ना और हाँ को एक्सेप्ट करेगा वही. आपकी कंडीशन पे जो जिएगा ऐसा? नहीं मेरी कंडीशन पे अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए. नहीं अगर वो कहते जी नूरे आपने मॉडलिंग नहीं करनी, नहीं करनी, मैं ऐसा चूज ही नहीं करूंगी जो कहेगा, एक अंडरस्टैंडिंग. आपकी आप रखोगे अपनी पार्टी के ऐसा बंदा हो आप लाइफ में जो इसको आपकी कंपैटिबिलिटी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है वरना लाइफ नहीं चलेगी. आपके फैशन को रिस्पेक्ट देगा तो वही इंसान काबिल रिस्पेक्ट होगा ना. ठीक है. अच्छा खबर आप बताएं, आपने बचपन के बारे में बताया, बड़े शरारती थे आपने, नानी का मेकअप करके उनको जगाया. मैं अभी भी शरारती बहुत हूँ. क्या शरारतें करते हैं आप बताएं? कुछ नहीं, मैं नीचे जाता हूँ अपने स्टाफ के पास और अक्सर उनके दौरान लड़ाइयाँ करवा देते हैं. लड़ाइयाँ करवा देते हैं? हाँ जी. और फिर कुछ खुद जो ना मजा आता है लड़ाई करवा के, क्या तस्कीन मिलती है? वैसे मुझे ना इंजॉय करता हूँ हर तरह के लोगों से मिलकर, उनके बीच में घुसकर ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत. हूज योर बेस्ट फ्रेंड खबर? माई बेस्ट फ्रेंड आई थिंक मेरे सारा जो स्टाफ है, फिर मेरे जो मॉडल्स हैं, फिर जो मॉडल्स में से एक का नाम बताएं. आज आपको बड़ा सख्त किस्म का चैलेंजिंग किस्म का सवाल है, इनको चूज पिक एंड चूज वाली बात है. कौन आपको सबसे अच्छा लगता है? आई थिंक बहुत ज्यादा बातें नूरे के साथ शेयर करता रहता हूँ अपनी. अच्छा. और फिर कहते मुझे डांट भी देती है, कहते सुन भी लेती है. मैं ब्रेक में भी देख रही थी काफी इनकी आपस में माशाल्लाह माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग और समझा भी रही होती खबर भाई यू नहीं खबर यू नहीं होना चाहिए. नहीं आई थिंक वो इतना साल काम करके दोस्तों वाला ऐसा लेवल बन गया. बिल्कुल दोस्ती का हक ही है. और एक हम इस पर भी मजीद बात होगी नूरे, लेकिन क्या करें ब्रेक तो लेनी ही पड़ती है. तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. बिन